देख रहे हो गाइस, ये तो है खीर और यहाँ पर आलू और गोभी की सब्जी और पूड़ी। मुझे तो गाइस कोई पसंद ही नहीं आ रहा इसमें से कल। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर न्यू ब्लॉग। सो आज तो हो चुका है 1 जनवरी 2023 का पहला दिन। सो आप सभी को फिर से हैप्पी न्यू ईयर गाइस। मे योर लाइफ इज फुलफिल विद द ग्रेस एंड हैप्पीनेस। सो अभी तो गाइस सुबह के तो 7 बज चुके हैं और अभी काफ़ी तेज़ ठंडी है, फॉग ही फॉग हो रखा है। सो मम्मी जी ने तो आज थोड़ा हमें पहले ही जगा दिया था क्योंकि हैप्पी न्यू ईयर है और कहा जाता है कि हैप्पी न्यू ईयर के दिन जैसा करे वैसा ही हम साल भर करते हैं। मम्मी का ऐसा मानना है। सो सभी जगह देख रहे हो गाइस आप सब कि कितना ज़्यादा फॉग फॉग हो रखा है, पूरी जगहों पे काफ़ी ज़्यादा ठंडी है। और आज तो दुकानें भी लगभग खुल चुकी हैं पहले क्योंकि हैप्पी न्यू ईयर है आज। सो छत पे तो गाइस काफ़ी तेज़ ठंडी है, सो नीचे चलते हैं। और मम्मी जी को तो मैंने ऐसे बोल दिया है हैप्पी न्यू ईयर, फिर से बोल लेता हूँ। तो आ चुका हूँ गाइस रूम में, मम्मी जी ये रही। सो आपको हैप्पी न्यू ईयर मम्मी जी। हैप्पी न्यू ईयर, नया साल मुबारक हो मम्मी तरफ से। मैंने तो अभी मम्मी जी को तो प्रणाम कर लिया है और पापा जी को करना बाकी है। सो वो तो अभी फ्रेश होने गए हैं और कैसे भैया भी है तो मैं सोच रहा हूँ उन्हें भी प्रणाम कर लूँ क्या। प्रणाम कर ही लेता हूँ, आशीर्वाद मिल जाएगा मुझे। गाइस अब भैया को प्रणाम कर लेते हैं। हैप्पी न्यू ईयर। देख रहे हो गाइस हम कर रहे हैं, कम से कम हैप्पी न्यू ईयर भी बोल देते हैं, अभी भी नहीं बोल रहे हैप्पी न्यू ईयर। अभी तो फाइनली गाइस फॉग तो पूरी तरीके से हट चुका है, थोड़ा सा सनलाइट भी आ ही रही है। तो अब तो गाइस मुझे बस नहाना बाकी है। घर में मम्मी पापा जी तो पहले ही नहा चुके हैं पर अभी तो 10 बज चुके हैं। सो अभी मैं जा रहा हूँ नहाने। मम्मी जी तो गाइस आज खीर बनाने जा रही हैं, काफ़ी टेस्टी खाना आज बनता है सभी के घरों में। फिलहाल गाइस यहाँ पे मम्मी जी हमारे लिए चूड़ा भी भूंज कर रखती हैं क्योंकि खाना बनने में तो अभी काफ़ी ज़्यादा टाइम है। अभी तक तो दूध ही माँ ने चढ़ा है और चाय बना रही है। सो मेरा गरम पानी तो हो चुका है, चलकर मैं नहा लेता हूँ। गाइस मैं तो नहा चुका हूँ और देख रहे हो मैं तो रेडी भी हो चुका हूँ पूरी अच्छे तरीके से। थोड़ा छत पे चलता हूँ, थोड़ी देर बैठता हूँ छत पे ही, वैसे मेरा नाश्ता भी हो ही चुका है। तो देख रहे हो गाइस बगल वाले दुकान पे कितनी ज़्यादा भीड़ है पनीर लेने के लिए। नीचे से तो गाइस अभी मेरा बुलावा ही आ गया है मटर छीनने के लिए। मैं तो यहाँ सोच रहा था बैठूंगा छत पे, ऊपर से गाइस ब्लॉग में भी छत से नीचे नीचे छत ही हो रहा है। सो आज तो अब तो गाइस यहाँ पे देख रहे हो टेस्टी खीर तो पूरी तरीके से रेडी हो चुका है और अब बस मटर छीनना है। तो मैं भी मम्मी जी का हेल्प कर देता हूँ मटर छीनने में। दो घंटे तो बीत चुके हैं गाइज और अभी फाइनली खाना भी रेडी हो चुका है। देख रहे हो मम्मी ने तो पूड़ी भी बना ही दी है। सो अब मैं खा लेता हूँ क्योंकि सुबह से हमने तो वैसे कुछ खाया है नहीं। देख रहे हो गाइज ये तो है खीर और यहाँ पर आलू और गोभी की सब्जी और पूड़ी। देखने में ही काफ़ी टेस्टी लग रहा है तो खाने में तो और लगेगा। सो चल कर खाते हैं, मैं और भैया तो एक ही में खाने वाले हैं ना। फिलहाल गाइज अभी तो शाम हो चुकी है और मैं मम्मी तो ऐसे ही थोड़ा सा मार्केट में जा रहे हैं घूमने क्योंकि न्यू ईयर है, आज ही छुट्टी और कुछ दिनों बाद तो स्कूल भी खुल जाने वाला है। यहाँ से तो गाइज पापा के शूज निकाल देता हूँ, बस घर में भैया ही अकेले रहे, मैं मम्मी को जा रहे हैं। गाइस कुछ देर पहले इन्हें बहुत तेज़ नींद आ रही थी, मम्मी से इन्होंने कहा कि मैं नहीं जाऊंगा, अब देख रहे हो खुद आ गए हैं ये जाने के लिए।
मम्मी जी तो जितना सारा कपड़ा था छत पे वो लेकर आ गई, तो सबका शाम हो ही रखा है, कुछ देर में अंधेरा भी हो ही जाएगा। गाइस देख रहे हो, ये लग रहे हैं कहीं पे जा रहे हैं ये मैं क्या बोलूँ इसके बारे में, ऑफिसर जैसा लग रहा है, लेकिन ये शूज पापा का है भाई और इन्होंने पहन लिया, पता नहीं क्या है इनका। चलता हूँ गाइस, मम्मी जी तो आगे चली गई, भैया पापा पीछे से आ रहे हैं। तो वैसे भी गाइस मार्केट में उतना चहल पहल है नहीं, मैंने सोचा था न्यू ईयर है आज तो मार्केट में बहुत ज़्यादा भीड़ होगी, बट मेरे विपरीत हुआ। समझ नहीं आ रहा था कि कहाँ जाए, तो हम सब देख रहे वापस घर की ओर जा रहे हैं। हमारा तो गाइस ऐसा ही है, कहीं फिक्स नहीं था जाना, इसलिए अब घर पे ही शायद जा रहे हैं, और अब तो धीरे धीरे फॉग भी आना शुरू हो चुका है। बगल में तो गाइस एक माता रानी का मंदिर भी है, देख रहे ये रहा माता रानी का मंदिर। सो अभी तो गाइस पापा जी तो मेरे लिए हुडी लेने आए हैं, वैसे ही ये वाला जैकेट तो मेरा खराब है इसीलिए। Till my shadow turns to sun rays and on and on we'll be guys ek ko kaha pasand nahi aa raha yahan pe par dekh rahe hain koi mil jaye acha sa वैसे लेने वाले नहीं है आज, बस देखने आए। ऐसा ब्लू कलर से पहन ले कोई क्या रहे हैं 750 का 10% का वो सब सही डा से आई है। हां बोलिए, टी शर्ट रख दिया दोनों भाई।
साला में साइज नहीं है मुझे तो कोई कोई पसंद ही नहीं आ रहा इसमें से कलर से। तो हमें तो गाइस कोई कपड़ा ही नहीं। हम गुपचुप खाने जा रहे हैं, देख रहे हैं यहाँ पर स्कूल के पास है। गाइज हमारा तो न्यू ईयर सेलिब्रेशन हो चुका है, आपने देखा ही। सो इसी के साथ मैं इस ब्लॉग को एंड करता हूँ। मिलते हैं किसी और न्यू ब्लॉग में। अगर चैनल पर नया हो तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और आप सभी अपने जीवन में आगे बढ़ें और खुशियाँ बांटें। सो तब तक के लिए बाय।